assalamu alaikum students i hope you all are doing well let's get start our today's lesson in our previous lecture we have discussed about exothermic reactions and endothermic reactions now we are going to study about importance of exothermic reactions in daily life exothermic reactions have great importance in our daily life as we know that this reaction releases heat into the environment we can use this heat for many purposes, like the heat provided by exothermic reactions, is used to get energy. Similarly, the heat releasing during the burning of fuel or gases at our home is used for cooking food and to warm our rooms as we know that the methane gas that we use at our home is a fuel so when we burn fuel then heat is released into the environment this heat is used to cook food to keep our rooms warm in winter seasons as the heat releases from exothermic reaction is also used to drive vehicles the heat releasing during the burning of petrol or diesel in the vehicle engine increases the pressure on the piston in a cylinder the force of the piston turns the wheel and makes the vehicle move similarly heat produced by during the burning of fuel in thermal power station is used to generating electricity so we can get a vast amount of electricity by using the heat produced by exothermic reactions the heat releases from this reaction also provide us energy during the process of respiration as we know that heat is produced during the process of respiration, in which glucose is breakdown in the presence of oxygen and as a result, carbon dioxide, water vapors and heat is produced. This heat is used to keep us warm and alive and provide us energy to perform our daily life activities. इग्निशन ऑफ डायनाइट एंड गाउडर ऑल्सो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्ल दिट रिल रिएक्शंस इज सो एनर्जेटिक दैट इट कोज एक्सप्ल सच एक्सप्लोशंस आर यूज फॉर ब्लास्टिंग इन माइंड तो स्टूडेंट है जो एक्जो थर्मिक रिएक्शंस हैं इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनसे निकलने वाली जो हीट है जो एनर्जी है उसको हम मुख्त पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो हीट रिलीज़ होती है ये हमें हीट इनर्जी प्रोवाइड करती है बिल्कुल इसी तरह से फ्यूल्स के चलने से पैदा होने वाली जो हीट एनर्जी है उसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं यानी कुदरती गैस वो फ्यूल की टाइप है तो इस तरह से गैस के जलने से हम खाना भी बनाते हैं और अपने घरों को गर्म भी रखते हैं सर्दियों के मौसम में नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है वो है कि गाड़ियों के इंजनों में डीजल और पेट्रोल के जलने से हीट पैदा होती है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये हीट जो है ये गैसों के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसकी वजह से गाड़ी के सिलेंडर में जो पिस्टन मौजूद होता है वो हरकत करता है पिस्टन की फोर्स जो है वो गाड़ी के पहियों को घुमाती है और इस एज ए रिज़ल्ट गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है तो इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन से पैदा होने वाली हीट को व्हीकल्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है mm -hmm. थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल्स को जलाया जाता है और उनसे जो हीट हासिल की जाती है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हासिल होने वाली हीट से हम एक बहुत बड़ी मकदार में इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट हासिल होती है इससे हमें एनर्जी भी मिलती है क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है इस अमल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स और हीट रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडीज़ के बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है और ये जो हीट होती है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन रखती है और इसके अलावा जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन्स हमें इनर्जी फ्राहम करते हैं इसके अलावा डायनामाइट और गन पाउडर के जलने से जो रिएक्शंस होते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस के नतीजे में जो हीट निकलती है यानी जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी एनर्जेटिक होती है कि उससे एक्सप्लोशनस क्रिएट हो जाते हैं यानी धमाके हो जाते हैं और ये जो धमाके हैं इसको माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो एक्सप्लोजनस क्रिएट करते हैं यानी धमाके क्रिएट करते हैं सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आर डेली लाइफ द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट इनर्जी फॉर वेरियस परपजेज द सेकेंड पॉइंट इज द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल एट आर होम्स इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड एंड टू वार्म आवर रूम्स The third point is the heat released during burning of petrol or diesel in the vehicle engine increases pressure of the products to push and move the piston in the cylinder the force of the piston turns the vehicle and make the vehicle move the next point is heat produced by the burning of fuel in thermal power stations is used to generate electricity the next point is about respiration Heat produced during digestion of food in our body keeps us warm and alive. The last point is: ignition of dynamite and gunpowder are also highly exothermic reactions and are termed as explosions. Such explosions are used for blasting in mines. In exercise, the long question number 5.11 is: describe the importance of exothermic reactions in our daily life.

सेकेंड पॉइंट है कि फ्यूल के जलने से पैदा होने वाली हीट एनर्जी से हम खाना पकाते हैं और कमरों को गर्म रखते हैं थर्ड पॉइंट है गाड़ियों के इंजनों में डीजल और पेट्रोल के जलने से पैदा होने वाली हीट एनर्जी गैसों का प्रेशर बढ़ाती है जिसकी वजह से सिलेंडर में पिस्टन हरकत करता है पिस्टन की फोर्स गाड़ियों के पहियों को घुमाती है और, और गाड़ी हरकत में आ जाती है फोर्थ पॉइंट है थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल के जलने से पैदा होने वाली हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है फिफ्थ पॉइंट जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में है रेस्पिरेशन के दौरान खुराक से पैदा होने वाली हीट एनर्जी हमारे जिसम को गर्म और जिंदा रखती है सिक्स पॉइंट है डायनामाइट और गन पाउडर से जलने के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होते हैं और धमाके कहलाते हैं ये धमाके माइनिंग में ब्लास्टिंग के काम आते हैं एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फाइव पॉइंट है रोजमर्रा जिंदगी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अहमियत बयान करें इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर सेवेंटी थ्री पर है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसको आप इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स आज का लेसन आपका यहीं तक है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़